अरे महारानी उठ जाओ और किचन में आके मेरी थोड़ी हेल्प करवा दो। अदिति अदिति जा, मम्मी की हेल्प कर दे किचन में। मुझे नींद आ रही है। मैं तेरी बड़ी बहन हूं ना, जा रसोई में जाके मम्मी की हेल्प कर। अरे दीदी यार क्या मम्मी से मुझे ही काम ना बोलती हो। तू बड़ी है, तू आ, खाना बनाना तुझे सिखाना है। हे भगवान, कहीं ये लड़की ससुराल जाके मेरी नाक ना कटवा दे। अभी वो छोटी है, उसको सीखने में टाइम है। पर मम्मी बोला ना जल्दी आ। मैं बाहर जा रही हूँ पार्टी में, तो मैं चली जाऊं क्या? जा जा आराम से जाइयो, ठीक है? दीदी को बोल के मुझे स्कूटी की चाबी दिला दो। ओह नो, दे दे चाबी, दे दे। अच्छा ले चाबी। तू वही जा रही है ना जहां पे वो दारू मिलती है? क्या दारू? दारू नहीं मम्मी, वहां ऐसा कुछ भी नहीं है। तू चुप करना। ओह नो, दे दे। अच्छा ले, न जाने वहां हुक्का हुक्का लड़के वड़के क्या क्या हो। मुझे क्या? क्या हुक्का? ना ना मम्मी, ना वहां दारू है ना वहां हुक्का है, वहां ऐसा कुछ भी नहीं है मम्मी। देख ले मम्मी, चार लड़के हैं, ना वहां दारू ना वहां हुक्का, हम बस मोमोज और चाउमीन खा के वापिस आ जाएंगे। चुप करके बैठ जा, तू कहीं नहीं जा रही, अपने दोस्तों को मना कर दे। चुपचाप किचन में जा और पानी की बोतलें भर के रख दे। अरे जाने दो मम्मी, ये ले चाबी। लेकिन छोटी बहन होने के नाते तू है ना, उन अपने दोस्तों को कह दियो कि आज सिगरेट विगरेट ना पिए। सिगरेट? तू कहीं नहीं जा रही, चुपचाप करके बैठ जा। चल ठीक है, चली जा, पर एक शर्त पे, दीदी साथ जाएगी। ठीक है मम्मी, जैसा आप कहे। वैसे तो मेरे जाने का बिल्कुल भी नहीं है मन है, पर आप कह रहे हो तो मैं चली जाती हूँ। चल। वैसे भी मैं इतने दिनों से पार्टी में नहीं गई थी, आज तो मजा आ जाएगा। तू दो मिनट रुक, मैं अभी रेडी होके आती हूँ। मैं अच्छे से रेडी हो जाऊंगी, मैं तुझसे भी सुंदर दिखूंगी, सारे लड़के मेरे को देखेंगे। रुक दो मिनट। ओह नो, जैसा आप कह रही हो वैसा ही होगा, पक्का हम डेट पे चलेंगे ना, प्रॉमिस, बिल्कुल, और वही खाएंगे जो तुम्हारी फेवरेट चीज है, बिल्कुल। चलो ओके ठीक है, मैं रखती हूँ, बाय। ओह नो, मैं चली पापा को ये रिकॉर्डिंग बतानी, उनको भी तो पता चले उनकी बेटी क्या कर रही है, किन किन से बात कर रही है, सोनू मोनू जानू, और उनको ये भी तो पता चले ये एक टाइम पे चार चार लड़कों से बात कर रही है। अरे वो लड़का एक ही है, उस सोनू मोनू जानू जो भी है वो एक ही है उसका नाम। वो मुझे नहीं पता, पापा को बताना।
प्लीज ना, तू पापा को मत कहना, पापा बहुत डांटेंगे। प्लीज मैं तू जो कहेगी ना वो करूंगी, पक्का प्रॉमिस, पापा को मत कहना। चल 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 ठीक है, अब खड़ी हो। और मुझे ना तेरा वो पर्स भी चाहिए क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है, और मुझे ये तेरा मेकअप भी चाहिए, और वो क्या था, मुझे तेरा एटीएम पिन भी चाहिए। क्या है ना, पापा मुझे 20 रुपये देते हैं तो मुझे वो एटीएम पिन चाहिए, वो लेके आ जल्दी से एटीएम पिन, और सारा लेके आ। इतनी सी चीज के लिए इतना सब कुछ? अच्छा पापा को बताओ, रुक तू। चल ठीक है मैं लाती हूँ। ले और ये ले 502। 502 मैं किस बात की दू तुझे, एटीएम पिन बता रही हूँ 502। अच्छा अब मैं तेरे पुराने कपड़े नहीं, मैं तेरे नए कपड़े पहनूंगी। ये ले तेरा फोन, फटाफट से सब कुछ गिफ्ट कर देती हूँ। क्या, ये तो वो फोन है जो पिछले साल खराब हो गया था, जो चल ही नहीं रहा है। तू तो छोड़ूगी नहीं, रुक। अरे वाह अदिति, मामा जी लगता है अपने घर जा रही है, और हर बार की तरह हमें 100-100 रुपये देख के तो जाएंगे ही, है ना, मजा आ जाएगा। बहन फिर तो मजा आएगा। बेटा इधर आओ। ये लो 100 रुपये। अरे नहीं नहीं मामा जी, इनका मैं क्या करूंगी। अरे नहीं नहीं रख लो, बच्ची हो कुछ खा लेना। वाओ, वाओ, इस बार मुझे मिलेंगे 500 रुपये। ये लो 100 रुपये रंजना बेटा, तुम रखो। अरे मामा जी इसकी क्या जरूरत थी। हाँ वैसे बात तो तुम्हारी सही है, ये लो तुम रखो। बॉय अब तो ये बड़ी हो चुकी है, अब तो ये खुद कमाएगी, तुम्हें ज्यादा जरूरत होगी ना इनकी। ओह नो, इस बार मुझे देंगे मामा जी। ओह नो, ये ले बच्चे, ये और तुम रखो। तो इसे देना भी अच्छा नहीं लगता तुम्हें, इस ज्यादा जरूरत होगी ना पैसों की, ये तुम रखो, इसे देना अच्छा नहीं लगता अब तो, ये खुद बल्कि ये तो खुद बड़ी हो गई है, अब ये हमें देगी, है ना। चलो अब मैं चलता हूँ, ध्यान रखना अपना, ठीक है। नमस्ते। नमस्ते मामा जी। ये होता है छोटा होना, बड़ा तो भिखारी भी हो जाता है। मम्मी मेरी ब्लैक जींस देखी क्या कहीं पे आपने? अरे बेटा निधि पहन गई है, क्या ना उसकी जींस गंदी पड़ी थी तो वो तुम्हारी पहन के चली गई। ओह नो। और मेरी सैंडल? अरे बेटा वो अदिति पहन के चली गई है। और मेरा पर्स? अरे बेटा वो भी तेरी बहन लेके चली गई। मम्मी बताओ मैं क्या करूं, मेरे उसके कपड़े तो मुझे सारे छोटे आते हैं और वो मेरे कपड़े पहन के चली गई सारे के सारे। अरे बेटा छोटी है, कोई नहीं जाने दो, ऐसे कैसे तुम जाने दो मम्मी, आज तुम उसे छोड़ोगी नहीं, आने दो उसे। ओ ये ले तेरी सैंडल और ये ले तेरा पर्स, इतने भी अच्छे नहीं है। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, अपनी चीजों को हाथ लगाया कर ना, मेरी चीजों को पहनती है, आज के बाद मेरी चीजों को हाथ मत लगाई। ठीक है मैं आपकी कोई चीज नहीं लूंगी मैं अब। बेटा रजना क्यों लड़ रहे हो, आप तो बड़े हो, आप तो समझदार हो ना, मत लड़ो, अभी आपकी शादी हो जाएगी, आप तो ससुराल चले जाओगे, आपके सारे कपड़े यही रहने हैं फिर। और बेटा आप जब आपकी बड़ी बहन ससुराल चली जाएगी तो फिर कहोगे कि मम्मी मेरी दीदी की याद आ रही है, फिर मत कहना मुझे कुछ दे। ऐसे लड़ा मत करो, समझदार हो तुम दोनों, अच्छे से रहा करो।
सॉरी, अब से ना तू मेरे सारे कपड़े यूज कर रही हो, ठीक है? आई एम आल्सो सॉरी दीदी, मुझे भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अब तुझे मेरे एटीएम का पासवर्ड तो पता ही है, तुझे जितने चाहिए उतने निकाल लियो। हाँ दीदी, वो तो मैंने यूज कर लिया, उससे मैंने नए ड्रेसेस, सैंडल और फर्स सब खरीद लिया, और जो आपके पुराने मुझे कपड़े दिए थे ना, नहीं वो मेरे लिए पुराने हो चुके हैं, तो आप उनको वापस ले लेना और मेरे नए कपड़ों की डिलीवरी कल तक हो जाएगी। अच्छा, कितने पैसे बचे हैं उसमें? पैसे कुछ भी नहीं बचा दीदी उसमें तो। और ये एटीएम कार्ड, इसमें कुछ नहीं है, तो ये आप वापस ले लो, मेरी ये किसी काम का नहीं है। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, छोड़ू। अरे ऐसा करो, ओह नो, मम्मी देख लो, सोचना भी मत। मम्मी मम्मी, मैं छोड़ दे मम्मा, ऐसे गिरी क्यों? सॉरी मम्मी, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा और बोली, और ना तेरे को झुक तू और करो दे मौत को कर दे सुबह से। रुको, One hour later. Oh no!